गुरुवार की सुबह सेक्टर 9 बसंती मोड़ के पास स्थित वॉशिंग एरिया गोलियों की आवाज से गूंज उठा। जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने शंकर रवानी नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के वक्त शंकर रवानी अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी धुलवा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना बोकारो के हरला थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि रवानी को कई गोलियां लगी है। गोली मारने वाले लोग बाइक और डिजायर कार पर सवार होकर आए थे। रवानी जहां खड़े होकर गाड़ी धुलवा रहे थे, वहीं नीचे उतरकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। घायल व्यक्ति सेक्टर 9 महुआर का रहने वाला है। मृतक पर 9 महीने में दूसरी बार गोली चली। इसके बाद लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नया मोड़ में सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलते ही धनबाद सांसद ढुल्लू महतो BGH बोकारो पहुंचकर मृतक के शव की शिनाख्त की और गहरा दुख जताते हुए परिजनों को ढांढस बंधाया। और मौके पर ही सांसद महोदय ने फोन कर बोकारो SP को इस घटना के लिए जिम्मेवार ठहराते हुए जमकर फटकार लगाई और कहा कि मैंने पहले ही आपको फोन पर कहा था कि पहले जो इनके ऊपर गोलीबारी हुई थी उन अपराधियों को गिरफ्तार करें, लेकिन आपने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज इनकी हत्या हो गई। आज भी बोल रहा हूं, अविलंब इनके हथियारों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके साथ ही DGP से फोन पर घटना की जानकारी दी। पत्रकारों से बात करते हुए सांसद ने कहा कि इस भ्रष्टाचारी सरकार में कोई भी लोग सुरक्षित नहीं है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं, सरकार केवल लूट में मस्त है। मौके पर बोकारो विधायक बिरंची नारायण मौजूद थे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। दुखद घटना है यार, ये बेल कहीं ना कहीं घटना के पीछे SP कहां होगा। SP को 15 दिन पहले मैंने कहा था कि इस तरह की घटना इनके साथ रवानी जी के साथ में शंकर रवानी जी के साथ में हुआ है। इस घटना में अभी तक तो कोई डिटेक्ट नहीं हुआ, कोई क्रिमिनल कौन गोली चला इस पर सामने नहीं आया है। 15 दिन पहले हम बात किए, इन्होंने बोला हम कर रहे हैं। मेरी करना क्या है इसको, तो 2 नंबर काम के लिए करवाना है। यहाँ पे पैसा कहाँ से है उसके लिए उगाही करवाना है इसको। इसको तो कोई क्राइम पर कंट्रोल नहीं करना, क्राइम के लिए प्रति कोई काम इसको नहीं करना है। क्राइम कैसे बढ़े क्योंकि पैसा उसके कमाई है इसको। मैंने कहा पूछ लीजिए, इसको जांच करवा लीजिए। मैंने DGP साहब को भी इस मैटर को बताए थे। मैं देखिए अंत में तो उसका जान चला गया। वैसे SP को रहना और सरकार रखा है तो कहने के अब सरकार ही समझ सकता है कि किस लिए ऐसे SP को रखे हैं, जो SP के आने के बाद सिर्फ बोकारो में क्राइम ही बढ़ा है। इसका जवाब तो सरकार को ही देना चाहिए। कानून व्यवस्था पर क्या, कोई कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज ही नहीं है। देखिए लगातार घटना पर घटना घटते जा रहा है, हत्या मर्डर लूट रंगदारी सारा चीज बढ़ते जा रहा है। जो गरीब लोग अगर कमाने खाने वाला उसको व्यवस्था उसको भी तंग किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। इसलिए ऐसे SP को तत्काल निलंबित करना चाहिए, हटाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि इसका तो बर्दाश्त प्राप्त है कि नहीं। क्या यहाँ पे बड़े पैमाने पे बैरमो के आपके विधायक बड़े पैमाने पे कोयला का धंधा करवा रहा है, तो उसको संरक्षण देने के लिए SP को यहाँ पे डिपुट किया है, ना कि यहाँ की जनता का सेवा करने के लिए किया है। इसलिए जनता इसका मालिक है और जनता इसका जवाब बहुत जल्द देने जा रहा है। DGP से